और दिल्ली में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को बुलाया गया है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद इस दौरान मौजूद रहेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। बैठक में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी बैठक को संबोधित करेंगी। बैठक में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी का संदेश लेकर ही संसद और पार्टी आगे बढ़ेगी। कांग्रेस बजट और सियासी मुद्दों पर सरकार पर हमलावर रहेगी। बजट सत्र में राहुल गांधी लगातार युवाओं, किसानों, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत अमरोहा में श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल कॉलेज के समारोह में पहुंचे। वहां एक बच्ची ने उनसे पूछा, आप पीएम क्यों नहीं बने? इस पर मोहन भागवत ने क्या जवाब दिया, सुनिए। हमारी क्या हस्ती देश बने इसलिए, इसमें पूरा 1700 मिलियन होकर काम करना है। हम अलग न बिके, देश के लिए आवश्यक है और उनको वहां रहना आवश्यक है। जैसे संघ बताता है तो करता है, जब तक संघ बताता है तब तक वहां रहता। प्रधानमंत्री जी को सब कुछ पूछो, आप व्यक्तिगत अकेले वो ये बताएंगे कि मेरी जो इच्छा है कि मैं फिर से अपना और यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे और बहू की कार का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट कब, कैसे और कहां हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। नंदगोपाल नंदी के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तिरवा के पास हुआ। बताया जा रहा है कि नंदगोपाल नंदी के बेटे ही गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। दोनों की हालत सामान्य है, इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी नंद गोपाल के बेटे अभिषेक ही चला रहे थे, वो दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे। एक्सीडेंट के बाद कार की स्थिति देखिए, गाड़ी के परखट छोड़ गए हैं। अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, कार का टायर अलग हो गया है।